इधर घुमाएंगे 350 ना ना 375 कैसे है धन्यवाद सलमान फिश फ्लाइंग फिश फ्लाइंग फिश अल्हम्दुलिल्लाह कोई पता है कैसे मतलब एंगल में काटे हैं इसको ऐसे डिजाइन में काट के टांगा गया है ये इसका सिर है मछली का सिर है ओ भाई साहब हाँ इसी से ही तो नमक बनता है मोबाइल के टाइम के हिसाब से 12:44 हुआ है और मेरा वॉच में जो है 12:14 हुआ है सो आधे घंटे का डिफरेंस है तो कई बार जो है वॉच देख के मुझे लगता है कि अभी तो भाई 9 है लेकिन एक्चुअल में 9:30 होता है तो सिचुएशन कुछ ऐसा है और भाई 12:30 का बांग्लादेश का सबसे सुंदर आइसलैंड जो है जिसका नाम है सेंट मार्टिन आइसलैंड और यहाँ पे नज़ारा कुछ ऐसा है भाई देख रहे हो ये शायद ये जो है ना मछली सारे जो है मछली पकड़ने वाला इस आइलैंड में जो लोग रहते हैं उनका जो है ये मछली पकड़ने वाला बोट है सारा मछली पकड़ने जाने वाला है शायद अच्छा काकु एटा की माछ धरार बोट जी जी अच्छा आपने बांगाली तो जी अच्छा माछ धरार बोट एटा ঘর কোথায় আপনার এখানে আচ্ছা মাছ ধরে কতদিন থাকেন মানে জঙ্গল ভিতরে আমরা ডেইলি ফিশিং করি ডেইলি করেন আচ্ছা মানে এখন যাবেন আর কখন আসবেন রাতের বেলা চলে আসবেন আচ্ছা তাহলে কত কত টাকা লাগে একটা বোট বানাতে একটা নতুন করতে লাগে 10 লক্ষ টাকা লাগে 10 লক্ষ টাকা এই বোটের এত টাকা খরচা ভীষণ টাকা সো মানে পুছ রাত অঙ্কল জি কো কুছ 10 লক্ষ কে আসপাস 10 লক্ষ के आसपास खर्चा हो जाता है ये एक बोर्ड बनाने में और इस बोर्ड का ना स्ट्रक्चर पूरा कम्प्लीटली अलग ही है भाई मतलब ऐसे बोर्ड ऐसे स्ट्रक्चर वाला बोर्ड जो इससे पहले मैंने देखा नहीं था हम हमारे घर एक्चुअली इंडिया है बुझे तो ये हमारे ओखने ना बोट एक आलदा थे ये थके मैंने वो मैंने कि बोले सीधा सीधा थके अपना बोटा ना पूरा एम पूरा ऐसा गर्वी है ना हाँ ढेव जो है ढेव बेसि बोट का स्ट्रक्चर देखो ये अलग ही है यहाँ पे पूरा कर्वी है भाई ऐसा है बोट हमारे वहाँ पे बोट ना थोड़ा सा फ्लैट होता है तो डिफरेंस है ये सारी चीज़ ठीक है सर क्या को धन्यवाद भाई आप लोग सोच रहे होंगे भाई कितना भाषा आता है तुझे भाई मुझे खुद को भी नहीं पता मैं कितना भाषा बोल लेता हूँ खुद का तारीफ नहीं कर रहा सच बता रहा हूँ और भाई जो ये जो मुझे लगा शायद ये गाँव वाले पर ये लोग टूरिस्ट है और ये लोग भाई पैर भिगा के अंदर जाके देखो फोटो खींच रहे हैं देखो कहाँ से आ रहे हैं हाँ कहाँ से आ रहे हैं ओह नहीं नहीं पानी साफ है लेकिन वहाँ तक जाने के लिए भाई यहाँ तक के ऊपर पानी है यहाँ तक जाने के लिए पूरा भीग जाऊँगा अंदर जाने का मन कर रहा है बहुत मौसम बहुत अच्छा है भाई शानदार मौसम है क्या हवा है ऊपर वाले का भी जवाब नहीं चलो भाई आप लोग कहाँ से हो भाई हम लोग छोटो ग्राम अच्छा चिटागोंग अच्छा चिटागोंग को छोटो ग्राम भी बोलते हैं छोटो ग्राम बोलते हैं पहले चिटागोंग बोलते थे अच्छा तो यही कंफ्यूजन हो जाता है कई बार जब गूगल में आप छोटो ग्राम मारोगे ना तो चिटागोंग ही दिखाता है पहले हाँ मैप में चिटागोंग दिखाता है पर अभी छोटो ग्राम हो गया तो ये कंफ्यूजन हो जाता है छोटो ग्राम कहीं और तो नहीं ऐसे लगता है गूगल मैप देखने से पर एक ही है दोनों ना ठीक है भाई फिर मिलेंगे মানে বানানো হয়নি আচ্ছা বানায় কে আর্টিস্ট ওই যে মিস্ত্রি আচ্ছা দাদা আপনি বানান এই বোর্ডটা হ্যাঁ না না আমি জিজ্ঞেস করছি একটু বাস আচ্ছা কতদিন লাগে এই বোর্ডটা বানাতে সম্পূর্ণ এক মাস লাগবে এক মাস বাস আচ্ছা তো মানে পুছ রা তা ইতনা বড়া বোর্ড হে মতলব কতজন যেতে পারবে এই বোট এই টলারে আপনার 70 জন যাত্রী 70 জন ক্যাপাসিটি 70 আদমি কা বোট হে ভাই পকড় লো 70 আদমি আগে এই বোট মে যা সকতে হ্যায় বলে এক মহিনে মে বানা ডালতে হ্যায় ভাই আর্টিস্ট হে ভাই ইয়ে দেখো ভাইয়া আচ্ছা কিতনা খরচা হো জাতা হ্যায় কত টাকা খরচা হয় খরচা টাকা বলতে 25 লক্ষ টাকা 25 লাখ বিচ আচ্ছা মানে 20 লাখের ভিতরে না না 25 লাখ 25 লাখ টাকা হয়ে যাবে আচ্ছা 25 লাখ কে আসপাস খরচা হো জাতা হ্যায় মতলব ও ডিপেন্ড করতা হ্যায় সাইজ কে উপর না আচ্ছা अब मैं भाई आ गया ऊपर और मैं देखना चाहता हूँ कैसे बनता है एक्चुअली बोट में बोट का नीचे में होता क्या है मैं ये देखना चाहता हूँ ये देखो भाई 25 लाख का बोट पे मैं फ़िलहाल चढ़ा हुआ हूँ और ये एक महीने में बना डालते हैं बोल रहे हैं भाई ऐसे बनता है बोट यहाँ पे ये नीचे कैसे बनाते हैं मैं वो देखना चाहता हूँ थोड़ा
ये भाई तो ऐसे बनता है यहाँ पे बोर्ड, ऐसे बनाते हैं। नीचे भी लकड़ी है, ये देखो मोटा मोटा लकड़ी दिया गया, मोटा मोटा लकड़ी देके बनाते हैं और इसके ऊपर पता नहीं और क्या क्या डालेंगे फिर बनाएंगे। सत्तर आदमी का बोट है पड़ो यहाँ नहीं যারা থাকে এখানে মাছ ধরে আছে, আমার যাত্রী ভাই আছে, লাইফ বোট সমিতি আছে, আমাদের সব ধরনের লোক আছে, সমিতি আছে আর বড় তো অনেক, আইসল্যান্ড মানে অনেক বড়, অনেক দূর আছে। আচ্ছা খাসা বড়া ভাই, মানে তো উপর চড়ে গিয়া থা, পর ইস আইল্যান্ড কো ঘুমনে কে লিয়ে দো তিন দিন লাগ জায়েগা না, বহুত বড়া হ্যায়। সো মে পুছ রাহা থা ইয়াহা পে লোগ ক্যা করতে হ্যায়, কাম জ্যাদাতর জো মছলি পকড়তে ভাই, সবি লোগ জ্যাদাতর, আর মাছ এটা কোথায় যায় বিক্রি করেন কোথায়? আমরা পিছিনে মাছ, পিছিনে এখন এখন শীতকালে চি জানে অথবা টুরিস্ট টারিস আছে, এরা মাছ স্থান করে এখানে সেন্ট মার্টিনে, ওরা টুরিস্টের মাছ বিক্রি করে, বারবিকিউ করে বিক্রি করে, রান্দা বিক্রি করে। কোথায় কোথায় আছে মার্কেটটা? এই যে মার্কেটে, এই যে এই যে সামনে। আচ্ছা আগে আছে, ঠিক আছে আসি, হ্যাঁ ধন্যবাদ সো इनसे मैं बात कर रहा था कैसे होता है, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है भाई ये आइलैंड जो है, पूरा आइलैंड को घूमने के लिए दो तीन दिन लग जाएगा। अभी टाइम मेरे पास सिर्फ दो घंटा है, तो दो घंटे में जितना देख सकता हूँ देख के सिर्फ फिर वापस भी जाना, कैसे भी करके मेरे को दो घंटे में वो बोट के पास पहुँचना है, डेढ़ घंटे में, अदरवाइज़ बोट निकल लेगा, मैं इधर ही रह जाऊँगा। अब मैं आ गया हूँ सेंट मार्टिन गांव के अंदर, आइसलैंड के गांव के अंदर से गुजर रहा हूँ मैं, ये देखो भाई। और ये हर जगह पे है, वेस्ट बंगाल से लेके बांग्लादेश में भी हर जगह पे आपको ये टोटो मिल जाएगा, अलग अलग तरह का, डिफरेंट डिफरेंट तरह का टोटो मिलता है आपको यहाँ पे भी आइलैंड में भी। आपका ये स्कूल है, इनका छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ पे ना उर्दू में भी लिखा हुआ है और बांग्ला में भी लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है मुझे, ये देखो यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है, बंगाली में भी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ मुझे पता नहीं था, वहाँ पे बोले थे कि यहाँ पे होटल है, पर आइलैंड जितना बड़ा है यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, सो यहाँ पे बहुत सारा होटल्स भी है, ऐसे देख रहे हो ये साइड में जितना भी है सारे होटल है यहाँ पे। तो ये चीज़ अगर मुझे पता होता ना पहले से, तो मैं कॉक्स बाज़ार में होटल नहीं लेता, यहाँ पे आके एक दिन रुक जाता तो बहुत सारा एक्सप्लोर करके कल वापस चला जाता। बे टच रिजॉर्ट लिखा हुआ है। ओ भाई साहब, ये कहाँ आ गया मैं, क्या भीड़ लगा पड़ा है यहाँ पे भाई, भाई क्यों मार रहे हो, मैं समझ ये नहीं पा रहा हूँ कि एक तो जाने के लिए भाई जगह है नहीं, ऊपर से हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहे हैं यार हाँ इतना भीड़ है, लोग पैर रखने के लिए जगह नहीं है, वहाँ पे जो है हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहे हैं भाई, जैसे कि हॉर्न मारेंगे तो जगह बन जाएगा जो देश है बंगाली लोग जो होते हैं उनको थोड़ा सा मछली ज़्यादा पसंद होता है, तो मछली जो है यहाँ पे कॉमन होता है। বড়া ইন্টারেস্টিং নাম হ্যাঁ ভাই মছলি কাজ পে পহলি বার দেখ রা হ্যাঁ সারে মছলি। और भाई अब आ गया मैं यहाँ का ड्राई फिश मार्केट के अंदर, ये देखो कितना बड़ा बड़ा मछली को ड्राई फिश बनाया गया, ये देखो कितना लंबा है ये कितना बड़ा मछली है हाँ। पर अच्छा दादा एक आसती पर ही माछ देखा छिलो ड्राई फिश अच्छा एटा की माछ बाइम माछ की बाइम सामुद्रिक बाइम अच्छा सामुद्रिक बाइम ये देखो बहुत बड़ा मछली है को ड्राई बनाया गया कितना है ये मतलब रेट किलो 1000 किलो पर केजी ड्राई फिश अच्छा और ये टाइगर प्रॉन 1 किलो
200 1 किलो टाइगर प्रॉन। हाँ नाम तो सुना हूँ पर ये अलग ही है भाई, समुद्र का मछली, पूरा समुद्र डीप माने भीतर समुद्र से क्या आने डीप, मतलब डीप सी से जो मछली पकड़ा जाता है उसी का ड्राई फिश का मार्केट है ना। इतना तरह का मछली है कि अभी मतलब पूछते जाऊंगा ना पूरा शाम हो जाएगा है ना भैया। कैसे हैं आप? कैसे हैं? थैंक यू, थैंक यू। ये देखो पूरा ये मार्केट ना सिर्फ ड्राई फिश का, इतना बड़ा बड़ा, मतलब जो लोग को ड्राई फिश पसंद है वो लोग इस मार्केट में आएंगे तो वो वापस नहीं जाएंगे, खरीद के ही जाएंगे। ये दादा हेलो, ये देखो भाई काट के, मतलब इनको ही पता है कैसे, मतलब एंगल में काटे हैं इसको, ऐसे डिजाइन में काट के टांगा गया है भाई। ये देखने से इसका सिर है, मछली का सिर है, बाकी ऐसे टांगा गया है किसी को। की मास भाई बेटा, की मास है? हाँ टूना फिश, टूना फिश, ये है टूना फिश कटका है। यहाँ पे भी है, ये देखो इतना मछली का नाम नहीं सुनेंगे, यहाँ पे इतना मछली का ड्राई फिश है। रूपचंदा, रूपचंदा किंग फिश, किंग फिश, रेड स्नैपर, रेड स्नैपर, रेड स्नैपर, एडा रूपचंदा, टूना फिश, सलमन फिश, फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश, मतलब क्या समुद्र में थोड़ा देता है सुंदर কি নাম বলো? সুন্দরী, সুন্দরী, আচ্ছা ভালো নাম তো। এটা হচ্ছে আমার নালা মাছ, আর এটা 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 লাস্ট লাকচাম। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, ধন্যবাদ। সবকে আশপাশ জো হ্যাঁ আপকো এসে ফ্রেশ মছলি মিল জায়গা কহীঁ পে ভি জাওগে তো। और एक चीज़ है, मुझे लगता था कि आइसलैंड है, शायद आइलैंड है तो शायद मछली सस्ता होगा, पर ऐसा नहीं है। अच्छा दादा भाई, ये टिकट आज মানে এই এখান থেকে যাওয়ার টিকিট? হ্যাঁ এখান থেকে যাওয়া। আচ্ছা এখান থেকে কোথায় কোথায় যাওয়ার টিকিট পাওয়া যাবে? এখান থেকে আপনার এই ট্যাক্টর সেন্ট মার্টিন থেকে ঢাকা পর্যন্ত টিকিট পাওয়া যাবে। আচ্ছা এখান থেকে ডাইরেক্ট ঢাকাও যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ ঢাকার বাস বাসের টিকিট, বাসের টিকিট পাওয়া যায় এখান থেকে। হলো এখান থেকে ওই যে কোনো শিপের কাজল, এই যে হলো কাজল, কাজল শিপের ট্যাক্টর টু সেন্ট মার্টিনের টিকিট পাওয়া যায়। শিপের নামটা কাজল, কাজল, কাজল এলসিটি কাজল। আর ট্যাক্টর টু সেন্ট মার্টিনের টিকিট পাওয়া যায়, আর ঢাকা থেকে সেন্ট মার্টিন আসা পর্যন্ত টিকিট পাওয়া যায় এখানে। আচ্ছা সব টিকিট পাওয়া যায়। হ্যাঁ তো মেরা তো জানে আর আনে কা টিকিট হো গিয়া, নেই তো আপ লোগো সে টিকিট এক নিয়ে লেতা মে। এখনই আসলাম তো ওই একটা, এখন আবার রিটার্ন চলে যাব। হ্যাঁ আপনার দেশের বাড়ি तो अगर आप यहाँ पे आके रुकना चाहते हो तो वन वे का आप टिकट करके आ सकते हो, बाकी जाने के टाइम में यहाँ से फिर टिकट करके वापस जा सकते हो, यहाँ पे रुक के घूम फिर के, है ना? हाँ हाँ थैंक यू। हाँ क्या मना से मतलब बालो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है से असलम कल तो ले रे। अच्छा भाई एक स्पीड बोट। हाँ अच्छा কত টাকা নেন? আমাদের 375 টাকা জনপ্রতি। আচ্ছা কত টাইম ঘোরাবেন ভিতরে? কিতনা টাইম মানে সারা দিন নামার পরে 1.5 ঘন্টা সময়। আচ্ছা 1.5 ঘন্টা অন্দর ঘুমায়েঙ্গে 350? না না 375 টাকা, 375 আর রিজার্ভ করলে 3000 টাকা। আচ্ছা রিজার্ভ করলে আর আর এমনি ঘুরলে 1500 টাকা, 1500 টাকা আর পুরো ডিপটা রাউন্ড দিলে 6000 টাকা। তো সিস্টেম अलग है, एक आदमी मतलब एक एक आदमी जाएगा तो 375 और अगर पूरा बुक करना है 3000। हां 3000 नहीं, इसमें इसमें अंदर जाएगा, अंदर जाएगा कितना टाइम घुमाओगे? अच्छा कितना टाइम? ऑल टाइम मतलब 375 টাকা যদি নেও একজনে কত টাইম ভিতরে রাখবে তাই বলছি। আচ্ছা আচ্ছা কত টাইম? 20 মিনিট। 20 মিনিট মাত্র? আচ্ছা ও 20 মিনিটে তো অনেক দূর চলে যাবে না, 1-2 কিলোমিটার চলে যাবে তো ভিতরে। আয়ো তো বললে 20 মিনিট কে আসপাস ঘুমায়েঙ্গে আর উসকা জো হ্যায় 375 রুপিয়া হোতা হ্যায় আগর শহর মে যাওগে, বাকি জো হ্যায় টোটাল বুক করনা পড়েগা উসকা হোগা 3000 রুপিয়া, আর কুছ 20-25 মিনিট জো হ্যায় আপকো অন্দর ঘুমা কে লায়েঙ্গে
पकड़ लो 3-4 किलोमीटर अंदर चला ही जाएगा भाई, बहुत स्पीड में चलता है ना। कितना स्पीड में जाता है इसका? 5 किलोमीटर चलेगा। नहीं नहीं, स्पीड कितना है? स्पीड को स्पीड सेवेंटी मतलब पानी के अंदर भाई बहुत स्पीड होता है, बहुत। और पानी आएगा भाई, क्रिस्टल क्लियर है, क्या बताऊँ। ये देखो भाई पानी, स्लिप ना करे, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि ऐसे जगह पे ना सरफेस जो है स्लिपरी होता है भाई, स्लिप करे तो सीधा पानी के अंदर चला जाऊँगा। और ऐसे तो पानी बहुत साफ है, क्रिस्टल क्लियर वाटर भाई, एकदम साफ पानी। ओ भाई साहब, हाँ इसी से ही तो नमक बनता है, इतना नमकीन नमक भी नहीं होता है भाई। ओ दोस्तों, जाते जाते कहना ये है, हंसते रहिए, क्या ही पता आपका हंसी देख किसी और का दिन बन जाए। जय हिंद।